हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम फाइंड करते हैं तो हमको एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम एरिया वेक्टर सीख लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। आप सब जानते हैं एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कैसे हम एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको समझना है सबसे पहले सर्फेसिस के बारे में। सर्फेस कितनी टाइप की होती है? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्फेसिस। एक होती है ओपन सर्फेस, एक होती है क्लोज्ड सर्फेस। तो हम सर्फेसिस की बात करेंगे तो सर्फेसिस जो होंगी वो कितने टाइप की होंगी? दो टाइप की सर्फेसिस होंगी। पहली है ओपन सर्फेस, ओपन सर्फेस, और दूसरी है क्लोज्ड सर्फेस, क्लोज्ड सर्फेस। क्लियर हो गया? तो अगर हम ओपन सर्फेस की बात करें तो ओपन सर्फेस जो होगी, यानी ओपन सर्फेसिस, तो ओपन सर्फेसिस में आप लेंगे स्क्वायर है और रेक्टेंगल है या कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, आप सर्कल ले सकते हैं, आप डिस्क ले सकते हैं, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल इसके बन सकते हैं। क्लोज्ड सर्फेस जो होती हैं, क्लोज्ड सर्फेसेस, क्लोज्ड सर्फेसेस में एग्जांपल आप लेंगे स्फीयर है, ठीक है, क्यूब है, और आप सिलेंडर ले सकते हैं, ऐसा बहुत सारी सर्फेसेस ही होंगी। तो सर्फेसेस के हमने दो वैरायटी पढ़े, एक ओपन सर्फेस, दूसरी क्लोज सर्फेस। तो ओपन सर्फेस स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, डिस्क, एक्सेट्रा। क्लोज सर्फेस होती है जैसे स्फीयर है, क्यूब है, सिलेंडर है। अब देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब एरिया में मैग्नीट्यूड भी और एरिया में डायरेक्शन भी है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें एरिया को हमने क्या माना है? वेक्टर। क्या माना है? वेक्टर। तो मान लीजिए हमने एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो अगर मैं ए वेक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना है मल्टीप्लाई बाई इसके डायरेक्शन कितनी, मतलब कौन सी इसकी डायरेक्शन है। तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी जिस सरफेस का आप एरिया निकाल रहे हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर आप डालिए, वो जो डायरेक्शन आएगी वो एरिया वेक्टर की होगी। किसकी डायरेक्शन होगी? एरिया वेक्टर की। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लो सरफेस फ्लैट है, सरफेस फ्लैट है, जैसे कि आपने क्या लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया, या आपने एक स्क्वायर ले लिया, या आपने एक डिस्क ले ली। क्लियर हो गया? तो आपके मान लो इस तरह की सर्फेसिस हैं, ये कर्व्ड सरफेस नहीं है, ये कैसे है? फ्लैट सर्फेसिस। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका एरिया वेक्टर लिखो, तो ये मैग्नीट्यूड जो आएगा इसके एरिया का, वो तो एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया। भाई मैंने आपसे कहा कि बताओ इसका जो एरिया है इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो ये तो हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। मान लो ये है 10 और इसको मान लो 5, इसको मान लो 10, ठीक है, ये 10 यूनिट हो गया, ये 5 यूनिट हो गया। तो आप इसका जब मैग्नीट्यूड लिखोगे एरिया का, यानी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप कितना लिखोगे? अरे ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कितना हो गया? 50 यूनिट स्क्वायर। 50 मान लो ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन क्या बताई है मैंने आपको? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर आप यहां पर ले रहे हो, यहां ले रहे हो, यहां ले रहे हो, कहीं भी ले रहे हो, किसी भी जगह पर, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन तो बाहर की तरफ ही हुई ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने ये वाला पॉइंट लिया तो यहां तो डायरेक्शन बाहर जा रही है, और यहां पर लिया तो डायरेक्शन ऐसे तिरछी होगी। अगर आप इस तरह से तिरछी लेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। समझ में आया? तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, अगर सरफेस फ्लैट है, अगर सरफेस फ्लैट है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर ले लो, हर जगह पर क्या आएगी? सेम। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? बाहर की तरफ। आप चाहें तो अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों ही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर मैंने कहा कि ये डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो ये बाहर वाली डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है, और मैंने अंदर की डायरेक्शन ली वो भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्लियर होगी बात? तो ये ओपन सर्फेसिस हैं। ओपन सर्फेसिस में आपके पास दो चॉइस होती है डायरेक्शन लेने की, आप डायरेक्शन बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, डायरेक्शन अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो अगर मैंने आपसे कहा कि बताइए इसका वेक्टर लिखिए, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई
डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो अब हम देखेंगे कि बाहर वाले डायरेक्शन का नाम क्या है। तो आप एक काम करो, इस वाले को आप मान लो एक्स वाई प्लेन में कंसीडर कर लो। अरे ये फ्लैट है ना, बिल्कुल एकदम प्लेन। तो आप इसको एक्स वाई प्लेन में मान लो। कैसे माने? मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो एक्स वाई प्लेन में आ गया। ये वाली जो डायरेक्शन, इधर यूनिट वेक्टर आई कैप मानो, इधर जे कैप मानो। अरे हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल। तो और ऊपर वाली जो डायरेक्शन है, ये बाहर वाली के कैप और अंदर वाली माइनस के कैप। तो मैंने आपको बताया कि इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो तो हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बाहर वाली जो डायरेक्शन आएगी, बाहर वाली डायरेक्शन, तो बाहर वाली डायरेक्शन क्या है? के कैप। ठीक है, एक ने कहा नहीं जी मैं तो बाहर के नहीं, मैं तो अंदर वाली डायरेक्शन ले रहा हूं। ले लो भाई, तो वो भी एरिया वेक्टर की वैल्यू आएगी कितनी? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू माइनस के कैप। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। क्लियर होगी बात? तो आप एरिया वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहां भी एरिया वेक्टर लिख सकते हैं। यहां भी क्या करेंगे आप? एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, यहां पर ये जेड एक्सिस मान लो, यहां पर ये सेंटर ले लो, तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस। मैंने कहा इसका एरिया लिखो, तो ये आई कैप, इधर जे कैप, तो बाहर की तरफ क्या आएगा? के कैप। मान लो सर्कल की रेडियस कितनी है? आर। अरे सर्कुलर डिस्क है तो रेडियस कितनी है? आर। तो आप इसका एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे? तो रेडियस तो पाई, सॉरी रेडियस है आर, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर तुम बाहर वाली इधर को ले रहे हो तो क्या लिखोगे? के कैप। और अगर अंदर वाली डायरेक्शन ले रहे हो तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड, तो वही पाई आर स्क्वायर और इंटू माइनस के कैप। तो इस तरह से आप दोनों ही एरिया लिख सकते हैं। इसमें ये आपकी चॉइस है कि आप बाहर वाली डायरेक्शन के हिसाब से एरिया वेक्टर लिख रहे हैं या अंदर वाली डायरेक्शन के हिसाब से एरिया वेक्टर लिख रहे हैं। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप क्वेश्चन में एरिया वेक्टर की वैल्यू चूज कर रहे हैं दोनों में से कोई भी, तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन जब तक आप उसको सॉल्व कर रहे हैं आपको वही वैल्यू लेनी पड़ेगी। आपने मान लो शुरुआत ये इस वाले वेक्टर से लेके की है तो क्वेश्चन का एंड भी इसी वेक्टर से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आधी कैलकुलेशन में ये लिया और आधी कैलकुलेशन में आपने ये लिया। क्लियर हो गई बात? ठीक जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपने एक चीज और पढ़ी हुई है कि अगर मान लो कोई भी आप पैरेललोग्राम ले रहे हैं, कोई भी आप पैरेललोग्राम कंसिडर करते हैं, आपसे पूछा जाता है इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। मान लो एंगल थीटा ये साइड, मान लीजिए पी है और ये साइड है क्यू। क्लियर? ये है ओ। तो ओपी वेक्टर जो है आप अगर इसको लिखेंगे तो कोई वैल्यू इसकी ओपी वेक्टर की आ जाएगी, इसी तरह से क्या आ जाएगी? ओक्यू वेक्टर। तो आपके पास दो वेक्टर है, एक ओपी वेक्टर है और एक ओक्यू वेक्टर है। मैंने कहा कि आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर। आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया ना वेक्टर्स में, पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि ये ओपी वेक्टर, ये ओक्यू वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो देगा इन दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम फॉर्म होता है ये उसका एरिया देगा। किसका देगा? उस पैरेललोग्राम का एरिया जो ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर से मिला है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो दिस इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी मतलब ये मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ओक्यू वेक्टर और इंटू साइन थीटा, यानी दोनों के बीच में कितना एंगल है, और मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन एन कैप। एन कैप क्या है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, बट जब हम ओपी क्रॉस ओक्यू लिखेंगे तो उसमें बाहर की डायरेक्शन आएगी या अंदर की डायरेक्शन आएगी ये आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ओपी क्रॉस ओपी सॉरी ओक्यू। तो आपको क्या करना है, इन फिंगर्स को ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में ले जाना है और ये वाली जो स्किन है आपकी व्हाइट, मतलब ये जो गोरी वाली स्किन है, इसको हमें किधर की तरफ रखना है, दूसरे वेक्टर यानी ओक्यू की तरफ। क्लियर? ऐसे नहीं है कि हम फिंगर्स को ऐसे लेंगे ओपी की तरफ, तो गोरी वाली जो स्किन है वो आपकी किधर गई, नीचे, वो तो ओक्यू की तरफ नहीं गई। तो हमें फिंगर्स को कैसे रखना है, ऐसे रखना है। तो अगर फिंगर्स को हम पी की डायरेक्शन में रखेंगे यानी ओपी की डायरेक्शन में रखेंगे, तो ये जो आपकी स्किन है गोरी वाली ये ओक्यू वेक्टर की तरफ होनी चाहिए। जब ऐसा हो जाए तो फिर फिंगर्स को कर्ल करो, तो देखो कर्ल किया तो थंब किधर गया, बाहर की तरफ। तो ओपी क्रॉस ओक्यू जो है ये बाहर वाली डायरेक्शन होगी, बाहर वाली डायरेक्शन को मैंने नाम दे दिया एन कैप। तो हमारा आंसर क्या आया, ये कितना है उसकी मल्टीप्लाई, ये कितना है उसकी मल्टीप्लाई, साइन थीटा, थीटा कितना है, वैल्यू पुट करो और बाहर वाली डायरेक्शन का जो नाम है वो इसमें पुट कर दो, तो आपको इसका एरिया वेक्टर मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा? एरिया वेक्टर। मैंने कह दिया कि ये एरिया वेक्टर मान लीजिए ए है, तो ए वेक्टर की वैल्यू इतनी आएगी। अब सोचो अगर मैं इसके लिए यूज करूं, ये हमारा पैरेललोग्राम है नहीं, अरे पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो कोई भी स्क्वायर है ये भी पैरेललोग्राम है,
कोई भी आप रेक्टेंगल ले रहे हैं, ये भी पैरेललोग्राम है, तो अभी तो हमने जो इसका एरिया वेक्टर फाइंड किया है वो एक कॉमन सेंस से फाइंड किया है कि वे मैग्नीट्यूड निकाल लो और डायरेक्शन मैंने तुम्हें क्या बताई, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। हमें यहां दो पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी, या तो बाहर या फिर अंदर, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन एरिया के क्या है, मतलब सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने दोनों डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे एरिया वेक्टर मिल गया। बट अगर मान लो मैं इसको यूज नहीं करूं, मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूं, मतलब इस कंसेप्ट को, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये मान लो ओ और ये मान लो मैंने एक वेक्टर बना दिया, तो ये बन गया ओपी वेक्टर। इसी तरह से यहां से मैंने ये पॉइंट लिया क्यू, तो ये बन गया ओक्यू वेक्टर। अब आप ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर लिखो, लिखो भाई यहां पर, अगर ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मुझे ये एरिया वेक्टर मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब कि ओपी क्रॉस ओक्यू लिखूंगा तो मुझे जो एरिया वेक्टर मिलेगा उससे इसका मैग्नीट्यूड भी पता चलेगा, इसकी डायरेक्शन भी पता चलेगी। तो ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर लिखो, तो सबसे पहले तो ओपी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड लिखो। अरे क्या होता है, ओपी क्रॉस ओक्यू इक्वल टू ओपी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ओक्यू का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। तो ओपी का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, ओपी वेक्टर का कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ओक्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, यहां से आता कितना है 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा, थीटा दोनों में कितना है 90 और इंटू एन कैप। अब यहां एन कैप की वैल्यू, तो मैंने आपको बताया जब इसकी डायरेक्शन लिखेंगे ओपी क्रॉस ओक्यू की, तो आपको फिंगर्स को किधर करना है, ओपी की तरफ, और गोरी वाली स्किन ओक्यू की तरफ। जब ऐसा हो जाए तो फिंगर्स को कर्ल कर लो, कर्ल हो गई लो जी, थंब किधर आया बाहर, तो यानी कि डायरेक्शन कौन सी आएगी बाहर, बट बाहर तो हमारी जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, के कैप, तो आप के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको जो ये वेक्टर मिलेगा, हमने इसको क्या मान लिया है, ए वेक्टर, अरे जो एरिया वेक्टर, इसको क्या मान लिया, एरिया वेक्टर ए। तो एरिया वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी ये हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू के कैप, ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया। एक बच्चे ने कहा नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं तो ओक्यू वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर लिखूंगा, तो भाई साहब ये भी एरिया वेक्टर देगा, अरे ये भी क्या आएगा, ये इसका एरिया ही आएगा। तो जब ऐसे लिखोगे तो ओक्यू का मैग्नीट्यूड कितना है 5, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है 10 इंटू साइन थीटा, थीटा तो वही 90 इंटू डायरेक्शन लिखो, तो डायरेक्शन अब हमारी फिंगर्स किधर जाएंगी, ओक्यू की तरफ ऐसे, और गोरी वाली स्किन किधर जाएगी, ओपी की तरफ। भाई साहब तो गड़बड़ हो गई ना, इधर तो ब्लैक स्किन आ गई, तो हमें कैसे करना है, ऐसे करना है, तो यानी कि फिंगर्स किधर गई, ओक्यू की तरफ, गोरी वाली स्किन ओपी की तरफ। अब फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल, तो कर्ल किया तो थंब किधर गया, अंदर, तो डायरेक्शन अंदर आ गई, तो अंदर वाली क्या है माइनस के कैप। तो आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो यहां से भी जो वेक्टर ए आएगा वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू माइनस के कैप। तो देखो हमारे दोनों ही आंसर आ गए, तो इस तरीके से ये और ये दोनों ही लिखे जा सकते हैं, क्लियर हो गए। तो फ्लैट सरफेस का एक एडवांटेज हमें ये होता है कि जब भी हम उसका एरिया वेक्टर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें तो हर जगह पर डायरेक्शन हमको सेम मिलती है। तो अगर इस तरह से पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालना है, या तो ऐसे निकाल लीजिए या फिर आपके पास तरीका जो है वो ये है क्रॉस प्रोडक्ट। मैं आपको कहूंगा कि आप इसको प्रेफर करें, आप इसको प्रेफर करके जब भी आप कोई भी प्लेन सरफेस ले रहे हैं उसका एरिया वेक्टर निकालें तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया वेक्टर फाइंड करें, वो ज्यादा बेटर है। अब सोचिए कि अगर ये सरफेस क्लोज्ड सॉरी कर्व्ड है, अगर ये सरफेस कर्व्ड है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने हैंड को ऐसे कर लिया, तो देखो ये कर्व होगी, ये फ्लैट तो ये इस तरह से होगी, लेकिन अब मैंने इसको कर्व कर दिया, तो अब मुझे इस समय प्रॉब्लम आएगी कि मैं इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो क्या होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर अगर मान लो मैं सरफेस लेता हूं इस जगह पर, तो यहां तो भाई साहब परपेंडिकुलर धर है, और मैं अगर सरफेस को यहां लूंगा तो यहां परपेंडिकुलर धर है, तो अलग अलग डायरेक्शन है। तो इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि अगर मान लो मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन करेंगे, तो अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग आएंगी। तो अगर कर्व्ड सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, हम क्या करते हैं, हम इस पूरे एरिया वेक्टर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ लेते हैं, और हर किसी एलिमेंट के लिए फिर एरिया वेक्टर लिखा जाता है। नहीं आई बात समझ में? मैंने मान लो एक कर्व्ड सरफेस ली, मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यहां पर लिया, तो मान लो इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड ds है या da, जो भी आप मान रहे हैं, तो da मान लो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, बट डायरेक्शन कौन सी है, इधर वाली,
तो आप लिखेंगे डी ए इंटू ये वाली डायरेक्शन मान लो एन कैप है, तो आप एन कैप लिख देंगे या एन वन कैप नाम दे दो। इसका अगर एरिया वेक्टर लिखेंगे तो इसका मान लो डी ए टू, ये मैग्नीट्यूड ठीक है, जो कि बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो यहां पर डायरेक्शन मान लो ये आ गई कौन सी एन टू कैप। तो अलग अलग पॉइंट पर आप देखेंगे जो एरिया वेक्टर है उनकी डायरेक्शन अलग अलग आएगी। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि पूरा कर्व्ड सरफेस जो एरिया है इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, क्योंकि इस केस में कोई एक डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब कर्व्ड सरफेस होती है तो हमें पूरी सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ना पड़ता है। बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर फ्लैट सरफेस है तो आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाइए उसका एरिया यानी कि ए क्रॉस बी। जैसे आप पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो यहां पर क्या है ओपी क्रॉस ओक्यू, इस तरीके से हम एरिया वेक्टर निकालते हैं। क्लियर हो गई, ठीक जी, बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखिए, अगर मान लो हम क्लोज्ड सर्फेसिस की बात करें, तो मैंने ओपन सर्फेस की तो बात कर ली, अगर हम क्लोज्ड सर्फेस की बात करें तो क्लोज्ड सर्फेस में हम एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, क्लोज्ड सर्फेस का एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे। क्लोज्ड सर्फेस में क्या है, जैसे ये आ गया हमारा स्फीयर, ये इसका सेंटर रेडियस है आर, तो अगर आप इसका एरिया वेक्टर लिखेंगे तो क्या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो भाई साहब स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे आपने क्या पढ़ाया कि एरिया वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड एरिया का मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, तो भाई साहब जितना भी ये एरिया उसका मैग्नीट्यूड तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डायरेक्शन से, बट यहां तो अनंत डायरेक्शन है, यहां पर कितनी डायरेक्शन है, अनंत। आपने मान लो यहां देखा परपेंडिकुलर लिया सरफेस के, तो ये डायरेक्शन, यहां परपेंडिकुलर लिया ये डायरेक्शन, यहां परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन, यहां परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन, तो आप तो फंस गए। तो भाई साहब कौन सी डायरेक्शन है, यहां पर फंस गए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सरफेस क्लोज्ड है, सॉरी अगर सरफेस कर्व्ड है, तो वहां पर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते हैं और उन एलिमेंट्स का एरिया वेक्टर लिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने ये वाली डायरेक्शन एन कैप ले ली, तो आप यहां पर बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। क्लियर होगी बात, इसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड है डी ए, कितना है डी ए, तो जब हम इसका एरिया वेक्टर लिखेंगे डी ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड डी ए मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, हमने इसका नाम क्या माना है एन कैप, तो इस डी ए वेक्टर की आप इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे। आप पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर एक साथ नहीं लिख सकते, आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में सरफेस को तोड़ेंगे और फिर उसका एरिया वेक्टर लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर इस छोटे से एलिमेंट डी ए की दो डायरेक्शन नहीं लेनी, डायरेक्शन केवल किधर लेनी है, आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर सरफेस ओपन होती है तो कितनी डायरेक्शन होती है, दो, कोई सी भी ले लीजिए बाहर, मतलब जैसे मैंने बताया था, जैसे ये बोर्ड है, दो डायरेक्शन, या तो बाहर ले लो या फिर अंदर ले लो। लेकिन क्लोज सरफेस में आपके पास ये चॉइस नहीं है, क्लोज सरफेस में अगर हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे तो वो केवल बाहर की तरफ ही डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ लेनी है। क्लियर हो गई बात, ठीक जी। आप देखिए कुछ क्वेश्चन कर लो, चलो देखिए, ये मान लो x एक्सिस, ये एक्सिस z एक्सिस, ये एक्सिस कौन सी है, z एक्सिस। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, y एक्सिस को बाहर ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि एक रिंग है r रेडियस की, कितनी रेडियस की, r रेडियस की। क्लियर हो गया बात, ये इसका सेंटर हो गया, तो आप इसका एरिया वेक्टर लिखिए, कितना लिखेंगे एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इसका पूरे का मैग्नीट्यूड कितना है एरिया का, तो वो पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की चॉइस आपके पास, डायरेक्शन बाहर लेते हैं या अंदर लेते हैं, तो बाहर लेंगे, तो बाहर वाली डायरेक्शन कौन सी है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में क्या लेंगे हम, जे कैप, और अगर अंदर लेंगे तो फिर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस जे कैप। ये दोनों ही आंसर इसके करेक्ट माने जाएंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक जी, बहुत बढ़िया। अगला हमने क्वेश्चन लिया कि मान लीजिए ये y एक्सिस और ये हमने कंसीडर किया यहां पर z एक्सिस, सॉरी इसको x एक्सिस, और इसको मान लीजिए आप z एक्सिस। क्लियर, तो हमने क्या किया, एक प्लेन कंसीडर किया है इस तरीके से, ये हमने एक प्लेन लिया है ऐसे, और ये जो प्लेन है ये एंगल 37 डिग्री का है, यानी कि ये जो प्लेन है ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री।
ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की है और ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की है। तो आप इसका एरिया वेक्टर लिखिए, आप इसका एरिया वेक्टर लिखिए। कर लो प्रैक्टिस भाई, कैसे लिखा जाएगा? एरिया वेक्टर आता है ना लिखना? अरे आता है, नहीं आता लिख लो, अभी पढ़ाया है मैंने आपको। तो मैंने आपको बताया है कि आप बेटर तरीका क्या होता है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया। सॉरी, आप इसको एक काम करिए, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 से, तो एक तरह से क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? ये स्क्वायर। या आप इसको 5 की जगह एक काम करो 10 सेंटीमीटर ले लो, 10 सेंटीमीटर। तो अब इससे क्या बन जाएगा? ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये स्क्वायर नहीं, अब क्या है? रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल आप इमेजिन करिए कैसे रखा है। सोच लो कि ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, और मेरी तरफ यानी बाहर की तरफ ये जेड एक्सिस है। तो एक रेक्टेंगल जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है। हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक कोई भी पेपर है, ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से इसमें रखा हुआ है ऐसे, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गया बाहर। तो इस एक्स एक्सिस के साथ में ये जो एंगल आ रहा है यहां पर, ये एंगल कितना आ रहा है? 37। तो ये 5 और ये ऊपर वाली 10। तो बताइए इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो एक चीज तो क्लियर है कि जब भी आप इसका एरिया वेक्टर लिखेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो तो वैसे सिंपल है, 5 × 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आप एरिया वेक्टर लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके परपेंडिकुलर या तो बाहर वाली डायरेक्शन या फिर इधर वाली डायरेक्शन, इसका नाम क्या है। आपको डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में आप डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर लो तो आप लिख सकते हैं। बट मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया कि बेटर है, क्योंकि वहां तो डायरेक्शन आपको आसानी से दिख रही थी कि हमने जो रेक्टेंगल लिया है या स्क्वायर लिया है या जो डिस्क ली है वो हमने एक्स वाई प्लेन में ली है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या आ रही थी? जेड एक्सिस। लेकिन यहां पर वो आसानी से आपको नजर आने वाली नहीं है, तो इसलिए इस जगह पर फंस गए। फंस गए तो निकलने का तरीका क्या है? तो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी पैरेललोग्राम ले रहे हैं, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, या वो कोई और फिगर है पैरेललोग्राम शेप में, समझ में आया? तो उसका एरिया वेक्टर लिखने का तरीका क्या है कि आप उनकी दो साइड ले लो वेक्टर फॉर्म में, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो ये मान लीजिए हमने साइड मानी है P और ये वाली साइड मानी है Q, तो आप लिखिए OQ वेक्टर कितना है, तो इसको I कैप, इसको J कैप, इसको K कैप, समझ में आया? तो जब हम इसको यहां पर लेंगे तो देखिए ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये बन गया 10 × J कैप। अब आप लिखेंगे ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे? अब देखिए ये जो पॉइंट पी है तुम्हारा वो कौन से प्लेन में आ रहा है? वो एक्स और जेड प्लेन में आ रहा है। किसमें आ रहा है? एक्स जेड प्लेन में। तो एक्स जेड प्लेन में तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। अगर तुम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाते हैं, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाते हैं, तो भाई साहब आप पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, और वो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? ओपी वेक्टर। अरे पढ़ाया नहीं पढ़ा तुमने? अगर इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट तुमको पता चल गए तो ओ से पी को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर आएगा दैट इज द ओपी वेक्टर, और उस वेक्टर को क्या कहेंगे हम? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको चाहिए तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे भाई? देखो जैसे इस वाले रेक्टेंगल की साइड ऐसे थी, अरे ये हमने साइड मान ली यहां पर, ये एंगल कितना आ रहा है? 37। तो जब आप इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होता है? यहां से परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पर। अरे जाएगा नहीं जाएगा? परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। तो देखो यहां से यहां तक 5 कितना दे रखा है? ये 5, और परपेंडिकुलर हमने ये डाला तो बेस निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल कितना है? 37। तो भाई साहब बेस कितना आएगा? 5 cos 37। तो ये जो यहां पर कोऑर्डिनेट आएगा एक्स, वो आएगा 5 cos 37। अच्छा जी, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट किसमें है? एक्स जेड प्लेन में। अच्छा जी, जेड कोऑर्डिनेट। अब जेड कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे? देखो ये जो रेक्टेंगल है, ये जो साइड ओपी है वो नीचे ये हो गई, ये अगर 37 है तो जब इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन 5 cos 37, तो जो जेड एक्सिस है ये वाली, तो उस पर जो परपेंडिकुलर आएगा वो वाला प्रोजेक्शन कितना बनेगा? 5 sin 37। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? देखो cos 37 लिखना आता है ना आपको, मैंने बताया 37, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ये कितना बनेगा? 5 cos 37।
यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 5, तो 5 से 5 गया तो कितना आ गया 4 कॉमा 0 कॉमा ये कितना बनेगा साइन 37 3 बाई 5, तो 5 इंटू 3 बाई 5 तो कितना आ गया 3। तो आप ओपी वेक्टर लिख सकते हैं क्योंकि आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो 4i कैप कॉमा 0 जे कैप तो 0 हो गया और प्लस सॉरी कॉमा नहीं 4i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3k कैप। क्लियर हो गई बात, तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एरिया वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, एरिया वेक्टर आ गया तुम्हारा, चाहे आप ओपी क्रॉस ओक्यू कर लो या फिर आप क्या कर सकते हैं ओक्यू क्रॉस ओपी कर लो, एक ही बात है, दोनों ही आपके आंसर होंगे। क्यों, क्योंकि ये ओपन सरफेस है, ये कितना एरिया बाउंड हो सॉरी कितना एरिया आएगा यहां से वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ओपी वेक्टर कितना है, टेन जे कैप क्रॉस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, ये क्या है 4i कैप प्लस 3k कैप, और ये कितना बनेगा 4i कैप प्लस 3k कैप और क्रॉस 10 जे कैप। तो आपने ये पढ़ा हुआ है लॉ, मतलब हमने बना ट्रिक बना रखी है ये कि ये i कैप जे कैप k कैप, तो i क्रॉस j बराबर k। तो अगर मान लीजिए मैं एरिया वेक्टर लिखूं तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं, तो 10 4 जा 40 और j क्रॉस i, तो देखो i क्रॉस j की वैल्यू क्या आती है k, लेकिन j क्रॉस i जब करेंगे तो कितना आएगा माइनस k, अरे उल्टा आएगा, j क्रॉस i करते हैं तो क्या आता है k, लेकिन जब हम i क्रॉस j करते हैं तो क्या आता है k कैप, लेकिन जब हम उल्टा करेंगे j क्रॉस i तो फिर ये माइनस में आएगा माइनस k कैप। तो यहां वही तो हो रहा है कि j क्रॉस i तो माइनस k कैप। अब देखो प्लस, फिर 10 की मल्टीप्लाई कहां पर हो रही है 3 पर, कहां पर हो रही है 3 पर, तो कितना आएगा 10 3 जा 30 j क्रॉस k, तो j क्रॉस k तो वो तो क्या देगा i कैप, लो जी i कैप लिख दो, या तो ये आंसर आएगा या फिर इससे निकाल लो, तो ये आएगा तुम्हारा 4i कैप इंटू 10 j कैप, 4i कैप इंटू 10 j कैप, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 4 जा 40 और ये क्या आई क्रॉस जे, अरे 4 की 10 में कर ली तो 40 हो गया, और आई की जे में करेंगे तो आई की जे में करेंगे तो क्या आएगा के, तो के कैप, फिर क्या आगे प्लस प्लस 3 की 10 में करो तो 30 और के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे सॉरी उल्टे गए के क्रॉस जे ऐसे आए ना, तो फिर क्या आएगा माइनस आई, लो जी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर कितना, ये जैसे आया तो ये तो आ गया तुम्हारा 30i कैप माइनस 40 j कैप सॉरी k कैप, क्लियर इतना आया, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 30i कैप प्लस 40 k कैप, यानी माइनस यहां कॉमन ले लो तो ये भी 30i कैप प्लस सॉरी माइनस 40 k कैप लिखा जा सकता है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में केवल इस साइन का फर्क है कि एक में तो क्या आ रही है ये वैल्यू पॉजिटिव यहां पर, तो दूसरे में सेम वैल्यू है ये और ये क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि भाई जो तुम दो आंसर ले रहे हो एरिया के उनमें केवल और केवल फर्क डायरेक्शन का है। तो वही तो होता है, मैंने आपको बताया ये ओपन सर्फेस है तो एरिया की दो डायरेक्शन होंगी, या तो बाहर वाली या फिर अंदर वाली। अगर मैंने कहा कि बाहर वाली डायरेक्शन ये है तो अंदर वाली डायरेक्शन के लिए क्या करो एरिया वेक्टर लेना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर जब दो डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती हैं, तो एक अगर आई कैप है तो दूसरी क्या होती है माइनस आई कैप, क्या होती है माइनस आई कैप। तो वही तो हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर मान लीजिए हमने कोई नोटबुक ली, तो इसमें मान लो एक डायरेक्शन बाहर की तरफ आई तो इसके जस्ट अपोजिट ही तो दूसरी डायरेक्शन आएगी इस एरिया वेक्टर की, क्योंकि इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो बाहर ले लो या फिर अंदर ले लो। अगर मैंने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव आएगी। तो दोनों ही मतलब आंसर हमारे ठीक है, गलत नहीं है कोई भी। तो अगर इस तरह के कई क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि आपको एरिया वैक्टर निकालना पड़ेगा, तो भाई साहब एरिया वैक्टर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एरिया वैक्टर कैलकुलेट करना नहीं आया तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन गॉसियन लॉ में इनमें प्रॉब्लम आएगी। तो आपने एरिया वेक्टर निकालना सीख लिया होगा।
ठीक। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। याद करो पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए हमने एक बॉडी ली, एक न्यूट्रल बॉडी है, और हम इस बॉडी को चार्ज दे रहे हैं, हम इस बॉडी को चार्ज दे रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क इसके चारों तरफ फैल जाता है, इसके चारों तरफ फैल जाता है। तो ये वर्क एनर्जी जो है वो इस रीजन में इसके चारों तरफ फैल गई, और इस वर्क एनर्जी को जो कि इसके चारों तरफ फैल चुकी है तो इसका रूप बदल गया, ये अब वर्क एनर्जी नहीं रही, अब इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ये कहां से आई है? ये वर्क एनर्जी का रूप बदलने के बाद आई है, क्योंकि जो आपने वर्क किया, जो वर्क एनर्जी थी पहले, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में। ये सब कैसे होता है सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे पुराने वीडियोस देखिए, वहां पर आपको ये मिलेगा कि किस तरीके से हम इसको चार्ज देते हैं। तो चार्ज देने से वो जो हमारा वर्क डन है, यानी चार्ज देर में हमें वर्क करना पड़ता है, वो वर्क एनर्जी इसमें आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने आपको ये बताया है कि अगर मान लो हम इसमें ज्यादा वर्क करते हैं, यानी ज्यादा चार्ज देते हैं, ज्यादा चार्ज देने में क्या होता है, हमको यहां पर जैसे मान लो आपने इसको 1 माइक्रोकुलम चार्ज दिया, एक ने इसको 2 माइक्रोकुलम, यानी 2 माइक्रोकुलम चार्ज दिया, 3 माइक्रोकुलम चार्ज दिया, तो मैंने मान लो 2 माइक्रोकुलम चार्ज दिया तो मेरा वर्क डन 2 माइक्रोकुलम के हिसाब से आया। मान लो कि मैंने ये कहा कि अगर 1 जूल में इसको 1 माइक्रोकुलम चार्ज दे रहा हूं, तो मान लो मैंने 10 जूल वर्क किया, कितना किया 10 जूल। एक बच्चे ने क्या किया 2 माइक्रोकुलम चार्ज दिया तो उसने 20 जूल वर्क कर दिया। एक ने मान लो इसको 3 माइक्रोकुलम का चार्ज दिया मान लीजिए, तो ये 30 जूल उसने वर्क कर दिया। तो जो इसको 1 माइक्रोकुलम चार्ज दे रहा तो उसकी वजह से एरिया में जो एनर्जी आएगी वो मात्र 10 जूल आएगी। हमने चार्ज को डबल कर दिया तो एनर्जी अब इस एरिया में डबल फैल जाएगी। हमने चार्ज को ट्रिपल कर दिया तो अब इस एरिया के अंदर जो एनर्जी आएगी वो 3 गुनी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप इसको चार्ज देते हैं उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ता है और उतनी ही ज्यादा एनर्जी इस एरिया के अंदर फैल जाती है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में, आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है इसको एक्चुअल में कोई देख नहीं सकता। अब जैसे मान लो कोई बॉडी है, आप जैसे कॉम ले रहे हैं, आपने कॉम को क्या किया ड्राई हेयर में डाला, तो आप देखते हो उस पर चार्ज आ जाता है, आता नहीं आता, क्योंकि अगर वो ड्राई हेयर के अंदर अगर हमने कॉम पास किया तो जब उसको छोटे छोटे हम टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, कागज के टुकड़े जो है या भूसे के तिनके जो होते हैं उनके पास ले जाते हैं, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि जो कॉम है, जो ड्राई हेयर से पास हुआ है, उस पर चार्ज आ गया, यानी कि चार्ज आया तो मतलब वर्क किया किसी ने उसको चार्ज देने में, तो उससे क्या हुआ कॉम पर चार्ज आया, तो कॉम के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी फैल जाती है। क्या वो आपको दिखाई देती है? नहीं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को कोई देख नहीं सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। कैसे फील किया जा सकता है? कि ड्राई हेयर से कॉम पास करो और उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ तो आपको लगेगा कि कुछ एनर्जी यहां पर है जिसकी वजह से टुकड़े जो हैं कागज के वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कोई इसको देख नहीं सकता। अच्छा, पीछे मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी कि हम इसको कैसे कंसिडर करते हैं। फैराडे ने इसके लिए कंसेप्ट दिया था कि जो फील्ड एनर्जी है ना, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हेल्प से समझ सकते हैं। पढ़ाया नहीं पढ़ाया, देखो पुराने लेक्चर्स देखिए, वीडियोस देखिए, आपको उसे मिलेगा, मैंने बताया हुआ है। तो ये जो फील्ड एनर्जी है इसको वास्तव में अगर हम इजीली वे में समझना चाहें तो इजी वे में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो फैराडे ने जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है उसमें यह बताया है कि भाई साहब ऐसा मान लीजिए कि इनमें से ये फील्ड लाइन्स बाहर आ रही, जिनको कि नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये किसने बताया है? फैराडे ने। क्या वास्तव में इस तरह की कोई फील्ड लाइन बाहर आती है? कोई नहीं आती, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, वो इसलिए बनाया गया है जिससे कि आपको ये टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर हो गया बात? क्लियर बात हो गई, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है कि कितनी फील्ड लाइन्स इस एरिया में पास हो रही है, इस एरिया से यानी इस बॉडी से कितनी फील्ड लाइन्स निकल रही है,
अगर ये फील्ड लाइंस ज्यादा निकल रही हैं तो हम कहते हैं कि इस एरिया के अंदर ये जो एनर्जी फैली हुई है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ये ज्यादा है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं ज्यादा एनर्जी को और कम फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं कम एनर्जी को। मैंने कहा कि हमने केवल 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिया तो भाई साहब कितनी एनर्जी फैली हुई है 10 जूल। मान लीजिए कि इस पूरे रीजन में जो 10 जूल एनर्जी फैली हुई है उनको मैं 10 लाइंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, इसके चारों तरफ 10 जूल एनर्जी फैल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितनी है 10 जूल, और उस 10 जूल एनर्जी को रिप्रेजेंट कितनी लाइन से कर रहा हूं 1 लाइन से। तो इसका मतलब 1 लाइन जो है दैट इज इक्वलेंट टू 1 जूल एनर्जी। एक लाइन कितनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी 1 जूल को। अब सोचो आपने तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, कितना दिया 2 माइक्रोकूलम, अगर 2 माइक्रोकूलम चार्ज देंगे तो कितनी फील्ड लाइन आएंगी, जब 1 माइक्रोकूलम से हम 10 मान रहे हैं तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज देने से 20 लाइंस। मैंने आपको बताया कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज देंगे तो हमको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, 1 माइक्रोकूलम में कितना वर्क करना पड़ा 10 जूल, तो 2 माइक्रोकूलम में किया गया वर्क ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी इसमें फैलेगी रीजन में, तो वो ज्यादा एनर्जी हमने कितनी मान ली 2 माइक्रोकूलम से 10 जूल, बट 1 लाइन हमें 1 जूल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है तो मुझे अब इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी 20, कितनी 20, यानी कि 2 टाइम लाइंस हो जाएंगी, यानी कि यहां पर अगर लाइंस हैं हमारी कितनी 10, तो यहां पर लाइंस कितनी रहेंगे हम 20, यानी कि 2 माइक्रोकूलम में 20 लाइंस, तो 3 माइक्रोकूलम में मान लो एनर्जी आ गई 30 जूल, तो कितनी लाइंस 30 लाइंस। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर मान लीजिए किसी स्पेस में ज्यादा फील्ड लाइंस एरिया से पास हो रही, हमने क्या किया एरिया डिसाइड कर लिया, सेम एरिया ले लिया। अब जैसे इस पूरे का एरिया कितना है, हमने मान लो 4πr² इसका एरिया ले लिया, 4πr², क्लियर। तो 4πr² से पहले कितनी लाइन जा रही थी 10, चार्ज हमने बढ़ा दिया अब कितनी होगी 20, चार्ज और बढ़ा दिया कितनी होगी 30। तो यानी कि अगर मान लीजिए हम एरिया को फिक्स रखते हैं तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से अगर ज्यादा क्रॉस हो तो आपको क्या समझना है कि उसमें से जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो कितनी है ज्यादा। मैंने यहां पर मान लिया ये लो जी, क्लियर, मैंने ये एरिया लिया है 4πr², तो जब इसको हमने 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया 1 माइक्रोकूलम, तो इसमें से कितनी लाइन जा रही थी 10, कितनी जा रही थी 10, मैंने इसको चार्ज बढ़ा दिया 2 कर दिया कितनी हो गई 20, अब चार्ज कर दिया 3 माइक्रोकूलम तो एनर्जी कितनी आ गई इसमें 30 जूल, तो अब कितनी लाइन जाएंगी 30। तो ये जो लाइन्स बाहर निकल रही हैं ये वास्तव में हैं क्या, अरे इन लाइन्स का मतलब क्या है, ये तो एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी फैली हुई है, अगर हम उसको आसान वे में समझना चाहते हैं तो फैराडे ने हमारे पास हमको एक कंसेप्ट दिया है कि भैया आप फील्ड लाइन से समझ लो, अगर कम एनर्जी फैली हुई है तो कम फील्ड लाइन बना लो, ज्यादा एनर्जी फैली हुई है तो ज्यादा फील्ड लाइन बना लो। तो सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइन किसी सरफेस में से निकल रही है तो ज्यादा एनर्जी उस सरफेस में से क्रॉस हो रही है। आप समझ सकते हैं हमने एरिया फिक्स कर रखा है 4πr², तो पहले फील्ड लाइन जा रही है 10, अब हो गई 20 और उसके बाद हो गई 30। तो एक फील्ड लाइन मान लो 1 जूल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है तो पहले सरफेस में से बाहर निकलने वाली एनर्जी कितनी होगी 10 जूल, क्योंकि कितनी लाइन निकल रही थी 10, कितनी 10, अब कितनी होगी लाइन्स 20, तो अब इससे निकलने वाली एनर्जी 20, और अगर हमने कर दिया 3 माइक्रोकूलम तो अब निकलने वाली एनर्जी ये 20 और अब कितनी होगी 30, अब कितनी होगी 30। तो हम बेसिकली यहां पर जो देख रहे हैं कि सरफेस में से कितनी एनर्जी बाहर आ रही है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। ज्यादा फील्ड लाइंस अगर बाहर आ रही हैं तो आप कहेंगे कि ज्यादा एनर्जी उसमें से बाहर आ रही है, कम फील्ड लाइंस बाहर आ रही है तो आप कहेंगे उसमें से एनर्जी कम बाहर आ रही है। आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर ये सारी के सारी जो फील्ड लाइंस हैं हमने ऐसा मान लिया है कि ये इसके सेंटर पर रख दिया है, इस वाले चार्ज को इस स्फीयर के सेंटर पर रख दिया, तो सारी फील्ड लाइंस क्या है सरफेस के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पर
परपेंडिकुलर है। इस जगह पर हम ऐसा थोड़ा मान के चल रहे हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सेंटर पर ही हो, इसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो एनर्जी का इसमें से जो फ्लो होगा वो कितना होगा वो भी हम देखेंगे, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने चार्ज सेंटर पर रखा है या यहां पर रखा है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी पोजीशन को आप इधर उधर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो निकलने वाली फील्ड लाइंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो चार्ज है इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकता है, एनर्जी जो बाहर आएगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी। बात क्लियर हो गई? तो सॉरी, मोटी मोटी सी जो हमने भाषा में मतलब अपनी जो बात कही है उसमें आपको यह समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होती है कि कितनी एनर्जी उस रीजन में जा रही है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं तो आप कहेंगे कि उस सरफेस को क्रॉस करके इतनी एनर्जी जा रही है। कितनी एनर्जी जा रही है वो अनुमान कहां से निकालोगे आप? उन फील्ड लाइंस के नंबर से, फील्ड लाइंस के नंबर से। तो देखिए अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको क्या बताता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। किसी भी सरफेस के नॉर्मल कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस कर रही है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजरमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप अगर डेफिनेशन समझें इसकी तो हम पूरा इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली आप लिख सकते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। ये भाई साहब इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहां पर लिखी है कि नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी सरफेस में से पास हो रही है उसका मेजरमेंट जो आप करोगे एनर्जी का वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप यहां पर ये देखिए कि नॉर्मली हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। हमें एनर्जी का नॉर्मली मेजरमेंट करना है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो सरफेस के नॉर्मल कितनी जा रही है। हम एग्जांपल देखिए कैसे समझ सकते हैं। आप ऐसे समझो, मैंने ये बोर्ड लिया, ये जो बोर्ड है हमारा ये एक प्लेन सरफेस है। क्या है? प्लेन सरफेस। मैंने इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे ली, इस प्लेन में ही ले ली मैंने, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इस तरीके से इस प्लेन में ऐसे जा रही है। ठीक है, मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे निकल रही है। अरे ऐसे जा रही है? नहीं जा रही है, मैंने मान लिया है। तो आप मुझे बताइए कि इस बोर्ड में से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बता सकते हैं कितना जाएगा? आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पर कैसे बताएं? डेफिनेशन से बताओ, कैसे बताओगे? मैंने क्या लिखा है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। आप मुझे बताइए कि क्या इस सरफेस के नॉर्मल कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर आ रही है? क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आ रही हैं? नहीं आ रही, तो भाई साहब कितनी एनर्जी जाएगी? जीरो। अरे कितनी आई इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इसके परपेंडिकुलर जा रही है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी या कोई भी फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया है कि हर फील्ड लाइन, हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब कितनी एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, वो डिसाइड किया जा सकता है कि एक लाइन एक जूल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैंने तो वहां क्या लिया, एक लाइन एक जूल को रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने कह दिया कि एक लाइन एक जूल को 100 लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक जूल जो एनर्जी आई वो किससे आई? 100 जूल, मतलब 100 लाइंस से। तो फिर दो जूल कितने से आएगी? 200 लाइंस से।
तो इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है भाई कि अगर आप एक कूलम से निकलने वाली लाइन 10 ले रहे हैं तो 20 कूलम से या 2 कूलम से निकलने वाली लाइन उसके हिसाब से ही लेनी पड़ेगी, आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते। यानी कि फील्ड लाइंस का जो नंबर हम मानते हैं वो चार्ज के प्रोपोर्शनलिटी में मानते हैं। अगर हम चार्ज को दुगना कर रहे हैं तो फील्ड लाइंस भी दुगनी मानेंगे, चार्ज को तिगना कर रहे हैं तो फील्ड लाइंस भी तीन गुनी मानेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, आप अपनी इच्छा से नहीं ले सकते कि एक कूलम से निकलने वाली 10 लाइन तो 2 कूलम से निकलने वाली 50 लाइन, ऐसा नहीं। अगर 1 से 10 है तो 2 से 20 कंसीडर करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एनर्जी का मेजरमेंट हमारा कौन सा है, सरफेस के नॉर्मल कितनी एनर्जी आ रही है। तो भाई साहब अगर कोई फील्ड लाइन निकलेगी तभी तो एनर्जी आएगी, अरे कोई फील्ड लाइन बाहर आएगी तभी तो एनर्जी आएगी, जब कोई फील्ड लाइन इसके नॉर्मल नहीं आएगी तो एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो फ्लक्स की देखिए जो हम डेफिनेशन लिखते हैं आपकी किताबों में जो मिलती है, कई बार ऐसी भी डेफिनेशन होती है, कई यानी इसमें दो डेफिनेशन दे सकते हैं, आप इसको डेफिनेशन ना समझें, ये एक्चुअल में क्या है, एक आइडिया है। ये क्या है, आइडिया, हम इसको एक आइडिया कह रहे हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू ए सरफेस, क्लियर। ये है, अब कितना होगा वो मेजरमेंट हमें करना है तो उसको हम अभी देखेंगे। तो एक जो किताबों में डेफिनेशन है मैं आपको वो बता देता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, टू ए सरफेस गिव्स द, गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस। क्लियर हो गया, इस डेफिनेशन को कैसे समझ सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मान लो हमने बॉडी ली, इसको चार्ज दिया तो एरिया, सॉरी इसके चारों ओर जो स्पेस क्रिएट हुआ उसमें एनर्जी आ गई इस तरीके से। मैंने मान लिया कि एक माइक्रो कूलम का चार्ज दिया तो एक माइक्रो कूलम में 10 जूल एनर्जी देनी पड़ी, तो एक लाइन जो है वन लाइन इसको हमने रिप्रेजेंट किया कितने 1 जूल से, तो फिर एक माइक्रो कूलम में कितनी लाइन मुझे बनानी पड़ेंगी यहां पर 10। अरे ऐसे बनानी पड़ेंगे, नहीं बनानी पड़ेंगी, बिल्कुल बनानी पड़ेंगी जी, इस तरीके से 10 लाइंस यहां से ऐसे निकाल दी हमने मान लीजिए इस टाइप से। अगर मान लो मैंने 2 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया तो फिर अब इसमें कितने 20 जूल, तो अब मुझे कितनी लाइंस बनानी पड़ी, यानी इस केस में तो 10 लाइंस बनानी पड़ी और इसमें कितनी 20। तो आप अब देखेंगे तो यहां एनर्जी कितनी है 20 जूल। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये फील्ड लाइन सारे के सारे इसमें से ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है, और ये सारे के सारे नॉर्मल है, तो आप बताइए इस सरफेस में से कितनी एनर्जी क्रॉस करे, 10 जूल। कितनी करे, 10 जूल, क्यों, क्योंकि 10 लाइन है। तो एनर्जी का मेजरमेंट किससे आया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से। आपने कितने कर दी, 20 जूल एनर्जी निकाली, तो लाइंस कितनी गई, इसका दुगना, यानी 20 जूल, ओ सॉरी 20 लाइंस। तो हम कहेंगे कि अब 20 लाइंस अगर बाहर निकल रही हैं और एक लाइन अगर एक जूल का रिप्रेजेंटेशन है तो 20 लाइंस कितने का रिप्रेजेंटेशन होगा, 20 जूल। तो फील्ड लाइंस का जो नंबर है, फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो क्या दे रहा है, एनर्जी का मेजरमेंट, क्या दे रहा है, एनर्जी का मेजरमेंट। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक लाइन कितनी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप यह बता सकते हैं कि इस सरफेस के नॉर्मल अगर इतनी लाइंस जा रही हैं तो इसमें से कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी। तो एनर्जी का मेजरमेंट भी हम किससे बता सकते हैं, काउंट ऑफ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि एक लाइन कितने जूल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पूरी सरफेस में से कितनी एनर्जी बाहर आ रही है ये आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात, बट मैं आपको बता रहा हूं कि हमें मेजरमेंट इसका करना है तो इसका मेजरमेंट किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, आप इसको ऐसे समझिए। सोचिए कि मैंने जो एरिया लिया जिसमें से मैं फ्लक्स फाइंड करना चाह रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने फील्ड लाइंस इस तरह से बना ली, ये सारे मान लो मैंने ये इस टाइप से फील्ड लाइंस ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, ऐसे मैंने जो एरिया लिया है, मान लो इतना एरिया मैंने लिया, इस एरिया को मैंने इसके फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा, तो जब मैंने इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा, मान लो मैंने इस तरह से रखा, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, इसमें 1 2 3 4 लाइन इसमें से क्रॉस कर रही, ऊपर वाली लाइन क्रॉस नहीं कर रही,
तो एक लाइन मान लो एक जूल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके नॉर्मल कितनी एनर्जी गई आप ये मानिए बताइए, तो कितनी जाएगी, वन लाइन वन जूल, तो कितने लाइन फोर, तो कितने जूल, फोर जूल। अब सोचो कि मैंने एरिया को बड़ा कर दिया, यानी कि मैंने इतना बड़ा एरिया ले लिया कि इसमें से 500 लाइन निकल गई, तो अब बताइए कितनी एनर्जी गई, 5 जूल। तो इसका मतलब फ्लक्स पहले कितना था, 4 जूल। मेजरमेंट मान लेते हैं हम एनर्जी एनर्जी है, तो हम ऐसे थोड़ी देर के लिए, फ्लक्स की यूनिट अलग होती है, बट मान लीजिए कि पहले हमने इसमें फ्लक्स कितना मान लिया, 4। तो अब जब इसमें से 5 लाइन गई तो फ्लक्स कितना हो गया, 5 यूनिट। पहले 4 यूनिट था, 5 यूनिट। तो इसका मतलब किस पर डिपेंड करा, एरिया पर। किस पर डिपेंड करा, एरिया के मैग्नीट्यूड पर। क्योंकि जितना ज्यादा आप एरिया का मैग्नीट्यूड लेंगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स आएगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा एनर्जी उसमें से क्रॉस करेगी। पहली बात तो एक चीज ये हो गई कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एरिया, किस पर डिपेंड करेगा, एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, मुझे ये लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, कि एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है। फाई को मैं फाई ई लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, क्लियर होगी बात, ठीक। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, ये दूसरा डिपेंड करेगा कि ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, दूसरी जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैसे, इंटेंसिटी कैसे जी, मैंने आपको बताया कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, याद करो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, ज्यादा है, तो फील्ड लाइंस पास पास होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पुअर है तो फील्ड लाइंस दूर दूर। तो यहां पर मैंने ये माना है कि एक जो लाइन है, वन लाइन, कितनी एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है, वन जूल का। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो ई है, तो लाइन्स के बीच में इतना डिस्टेंस आ रहा है, मैंने इंटेंसिटी को क्या कर दिया, 2E, दुगना कर दिया, तो अब डिस्टेंस हाफ हो गया, तो यानी लाइंस ज्यादा पास पास आए, आई नहीं आई। तो सोचो कि पहले इस डस्टर से केवल 4 लाइंस निकल रही थी, कितनी, 4, अब उतने ही एरिया से कितनी लाइंस जाएंगी, सोचो दुगनी हो गई, क्योंकि पास पास आ गई ना, तो दुगनी हो गई, तो यानी कि लाइंस का नंबर डबल हो गया, तो लाइंस का नंबर डबल हो गया, बट भाई साहब एक लाइन तो एक जूल को रिप्रेजेंट कर रही है, पहले कितनी जा रही थी इसमें से, 4, तो कितनी एनर्जी जा रही थी, 4 जूल, लेकिन अब कितनी जा रही है, 8, क्योंकि जस्ट आधा हो गया डिस्टेंस, अब कितनी जा रही है, 8, और एक लाइन एक जूल, तो अब कितनी जा रही है, 8 जूल। सिंपल सी बात है भाई, 8 लाइन गई ना, 8 जूल। तो इसका मतलब एनर्जी का इसमें से जो फ्लो था, पहले 4 जूल था, अब कितना हो गया, 8 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर क्या है, ये तीन चीजें हैं जिस पर ये डिपेंड करती है। तीसरा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल कितना है, ये एंगल डिसाइड करेगा कि भाई जो फ्लक्स जा रहा है वो फ्लक्स कितना होगा, किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब जैसे मान लो हमने ये पूरा बोर्ड लिया है, या इसके इसी से समझो, ये ज्यादा बेहतर है। मैंने क्या किया कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन ले ली, क्लियर हो गया, और मैंने एरिया वेक्टर को ऐसे लिया। तो जब मैं एरिया वेक्टर ले रहा हूं तो ये ओपन सरफेस है, आप ऐसे मानिए, तो एक डायरेक्शन एरिया वेक्टर किधर हो सकती है, किधर हो सकती है। मान लो मैंने यही डायरेक्शन ले ली जिधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसमें से सारे की सारी लाइंस बाहर निकल रही है, तो ज्यादा एनर्जी निकल रही है। अब सोचो कि अगर तुम इस एरिया वेक्टर को, मतलब इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं है, तो थीटा कितना है, 0। शुरू में थीटा कितना ले लिया हमने, 0 डिग्री। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने एंगल को बढ़ाना शुरू किया, तो सोचो एंगल कब बढ़ेगा, जब ये एंगल जब ये डस्टर ऐसे घूमना शुरू करेगा, यानी इस टाइप से, मान लो कि किसी इंस्टेंट ये ऐसे हो गया, तो अब ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की ऐसे हो गई, पहले डायरेक्शन कैसे थी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जब ये ऐसे घूमा तो एरिया वेक्टर इधर, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ये, तो कुछ एंगल बना नहीं बना, तो यानी कि इस टाइम इसमें से जो निकलने वाला फ्लक्स है, जो एनर्जी है, वो ज्यादा है। अब क्या हुआ, जैसे हमने ये किया तो एनर्जी थोड़ी कम हुई, और जैसे ही हमने ये किया तो अब क्या हुआ कि
एरिया वेक्टर हो गया इधर, तो एंगल 90 हो गया। अरे बड़ा नहीं बड़ा, तो क्या कोई भी फील्ड लाइन इस वाली सरफेस के बाहर निकली? नहीं, फील्ड लाइन इधर की तरफ है, तो एनर्जी क्या हुई? जीरो। नहीं आई बात समझ? आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये देखिए, ये इतना एरिया है, समझे? तो इसमें जो लाइंस हैं, मान लो तुम्हारी तरफ ऐसे निकल रही है, ऐसे फोर लाइंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, इतने एरिया से। अब तुम जैसे ही इसको घुमाओगे तो उतने ही, क्या ये, अब ये वाली जो, ये जो इसकी लेंथ है, क्या ये पहले के बराबर ही इतनी लेंथ को घेर पाएगी? नहीं, डिक्रीज होती जाएगी। नहीं यारी बात समझ? अरे पहले मैंने ऐसे लिया तो चार लाइन जा रही थी, एक इस कोने की मान लो, एक इस कोने से और दो बीच में, यानी एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक यहां से, चार लाइन। तो चार लाइन कितने एरिया से निकल रही है? यहां से यहां तक, सॉरी कितनी लेंथ से निकल रही, लेंथ समझो, यहां से यहां तक ये लेंथ हुई ना। अब जब तुम इतनी लेंथ ले रहे हो तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थीटा जीरो। लेकिन जब तुम इसको घुमाना शुरू करोगे तो वो लेंथ तो कम होती गई ना, वो जो लेंथ है, क्या वो लेंथ जो अब इसकी लेंथ है कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो कौन सी होगी? यहां से और यहां तक, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, यहां से यहां तक, ये कम हुआ। देखो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे था, पहले कितना, यहां, यानी यहां से यहां तक लेंथ थी, अब तो मात्र इतनी रहेगी। तो अब जो फील्ड लाइन जाएंगी वो ऐसे जाएंगी इसमें से, तो यानी कि ये जो जिस जितने स्पेस से लाइन निकल रही थी वो स्पेस क्या है? घट गया। अरे घटा नहीं, घटा बिल्कुल घट गया। तो फील्ड लाइंस कितनी हो गई? मतलब डिक्रीज हो गई। तो फिर फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। अरे होगा नहीं होगा? और जैसे ही ये ऐसे होगा, मतलब फील्ड लाइंस ऐसे और इसका एरिया वेक्टर ऐसे, तो अब इसके परपेंडिकुलर क्या ऐसे कोई लाइन जा रही है? नहीं जा रही। तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। तो आपको यह समझना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो जब ये ऐसे था तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, जब ये ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, यानी थीटा पर भी डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? थीटा, यानी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स जो आएगा, क्या आएगा? फ्लक्स। तो वो जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? फ्लक्स फाई ई लिख रहे हैं। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू दोनों में कितना एंगल है, वो एंगल कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। कैसे? आपको पता है कि अगर मैं थीटा को 90 करता हूं, देखिए ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अब ये कैसे कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है या साइन थीटा पर, तो इस बात को देख लो। कैसे? मैंने बताया कि फील्ड लाइंस आपकी तरफ ऐसे जा रही थी और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा क्या हो गया? जीरो। थीटा क्या हो गया? जीरो। तो मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है नहीं जा रहा? अरे मैक्सिमम फ्लक्स कब जाएगा? जब थीटा क्या होगा? देखो यहां से जीरो। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब थीटा जीरो होता है। अरे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वन। और वो कब आएगी? जब थीटा बराबर जीरो। तो फ्लक्स मैक्सिमम जाएगा, तो फील कर रहे। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, अरे दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं? तो थीटा कितना? जीरो। तो फ्लक्स कितना जाएगा? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मल्टीप्लाई बाई इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वो इसका ये एरिया कितना है, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर। अब तुमने क्या किया? इसको घुमाना शुरू किया। तो घुमाना शुरू किया तो भाई साहब थीटा बढ़ना शुरू हुआ, और थीटा जब बढ़ेगा तो आपको पता है फ्लक्स क्या हो रहा है यहां पर? कम हो रहा है। और जैसे ही थीटा 90 डिग्री हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा 90, तो अब फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। 90 डिग्री फ्लक्स इतना आया? जीरो। तो आप देख रहे हैं कि मुझे यहां साइन थीटा लाना चाहिए या कॉस थीटा, ये कैसे मैं डिसाइड करूंगा? ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? क्योंकि मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए थीटा में जिसमें एंगल की वैल्यू बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो, तो वो फंक्शन कॉस थीटा होता है। क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है? जब थीटा जीरो होता है। और मिनिमम कब हो जाती है? मतलब 90 डिग्री, माइनस वन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वैसे तो माइनस वन होती है मिनिमम वैल्यू, तो वो कितना आएगा यहां पर? 90 पर जीरो हो जाती है। तो इसलिए हमें यहां पर क्या लेना पड़ेगा? कॉस थीटा। तो ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? ई डॉट ए वेक्टर, ई डॉट ए वेक्टर। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मान लो हमने ये सरफेस ली, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस में
हमने क्या किया, छोटे छोटे ये एरिया लिए, सबका हमने वैल्यू क्या लिख दी, डीए 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 डीए, ये सब डीए वेक्टर, डीए वेक्टर, और आपको पता है सबकी डायरेक्शन एक ही है, अरे है या नहीं है? तो जब सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, तो हम उन सब वेक्टर्स को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। तो पूरे इसको जब आप डीए डीए में टूटा हुआ मानेंगे पूरी सरफेस को इस तरीके से, ठीक है, ये हमने सब डीए वेक्टर ले लिए, यहां पर ये पूरी सरफेस हमने इसकी यहां कवर कर ली, ये सारे डीए वेक्टर बन गए, और सब डीए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, बाहर। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये पूरा एरिया वेक्टर कितना है, तो ए कितना है डीए वेक्टर, तो सारे डीए वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो पूरा एरिया वेक्टर लिखने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो। अरे करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं। तो हम यहां पर एरिया वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू ई डॉट इंटीग्रेशन डीए, और हम इसको अंदर ले जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। तो तुम्हें फ्लक्स का जो फॉर्मूला मिला वो क्या फॉर्मूला मिला, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, ई डॉट ए या फिर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ये फ्लक्स आ गया। अच्छा, ये फ्लक्स की अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो ऐसा ही यूनिट इसकी लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और वैसे एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो ऐसा ही यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट, क्लियर हो गई। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी का मेजरमेंट है, किसका मेजरमेंट है, एनर्जी का, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये वैल्यूज हो सकती हैं। तो अभी तक जो आपने सीखा बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली गिव्स द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू द सरफेस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, या तो हम ये डेफिनेशन देंगे या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या देंगे कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, वो होता है ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए या इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। इसमें आपको पता है कि ये थीटा क्या है, यहां पर थीटा है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। जैसे कि मान लीजिए ये आपने एक डिस्क ले ली, यानी कोई भी एरिया लिया, तो अगर इस पर हम नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल इधर जाएगा, मान लो ये एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाली डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है मतलब एरिया, एरिया किधर होता है, जिधर नॉर्मल होता है, तो हम मान लो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है एरिया का वो है ए, तो एरिया वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो एरिया वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, वो ए हो गया, और इसकी डायरेक्शन को हमने एन कैप मान लिया, तो एरिया वेक्टर ई वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, या फिर क्या कहां लिखा है, ये रहा यहां पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए या ई डॉट ए, क्लियर हो गया बात। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने चर्चा की, अगले हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम क्या होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स। ऑल द बेस्ट, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू हमें बताओ और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।